हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की चर्चा चल रही है और उनको वर्ग तीन पर नियमित करने की योजना तैयार की जा रही है कि वर्ग तीन के जो पद खाली पड़े हैं प्राथमिक शिक्षक के, उस पर अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। अतिथि शिक्षक भी इसके लिए मंजूर हैं वर्ग तीन पर नियमित होने के लिए। सभी अतिथि शिक्षकों के संगठनों का एक ही मत है कि इनको नियमितीकरण किया जाए, ठीक है, वेतन वृद्धि किया जाए। और कल बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है भोपाल में अतिथि शिक्षक संघ की और सभी संगठनों की। तो ज़्यादा से ज़्यादा आग्रह किया है अतिथि शिक्षकों के लिए कि सभी संगठन के पदाधिकारी पहुँचे, जिलाध्यक्ष पहुँचे, ताकि अतिथि शिक्षकों की मीटिंग संपन्न हो सके। सुनील से परिहार जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया चल रही है भोपाल में, और ये भोपाल में बैठे हुए हैं, ठीक है, और पीढ़ी खेरवार भी भोपाल में है, सभी पदाधिकारी भोपाल में हैं। तो मैं इसको लेकर पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ क्या कहा गया सुनील से परिहार जी के द्वारा। इससे पहले भी मैं एक वीडियो अभी थोड़ी देर पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो ये सेकंड वीडियो है, आप जरूर देखें, पूरा वीडियो देखें, वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। शिक्षकों की विसंगति दूर हो जाए तो इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या संगठन मतलब ये कह सकते हैं कि सभी को वर्ग तीन में समाहित कर दिया जाए, चाहे वो किसी वर्ग का हो? देखिए, अतिथि शिक्षक बने रहने से बेहतर है कि आपका पद यदि प्राइमरी में भी स्थायी हो रहा है तो उसको सबको खुशी से स्वीकार करना चाहिए और हम भी उसको स्वीकार करेंगे। भाई, हर वर्ष आवेदन लेके दर दर की ठोकर खाना, भटकना, उससे बेहतर है कि आपको कम से कम आपका पद प्राइमरी में स्थायी हो जाएगा। अभी नहीं तो आने वाले समय में आपके क्वालिफिकेशन के आधार पर आपका भी प्रमोशन हो जाएगा। माननीय शिवराज जी ने आज रीवा में कहा कि हम आपको 15 के बाद बुलाएंगे, 15 अगस्त के बाद। जहां तक हमको न्यूज है, 16 अगस्त से लाल परेड में अग्निवीर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 16 से 26 से 20 तक अग्निवीर के लिए बुक है। और आज जो चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 4 अक्टूबर तक 5 अक्टूबर तक सभी मतलब वोटर लिस्ट का काम कंप्लीट कर लिया जाए, मतलब 15 अक्टूबर तक में आचार संहिता लगना कंफर्म है। तो कब तक उम्मीद करते हैं, 15 अगस्त के बाद का बोला है सीएम साहब ने? देखिए, ये नई बात नहीं है, शुरू से ही जब से अपनी बातचीत सरकार के साथ चल रही है तभी से उन्होंने ये बोल रखा है कि अतिथि शिक्षकों का काम अगस्त के महीने में होगा। उन्होंने कोई निश्चित डेट पहले भी नहीं दी थी कि 15 अगस्त से पहले होगा कि बाद में होगा, लेकिन ये कन्फर्म है कि 20 तारीख के आसपास अतिथि शिक्षकों की महापंचायत भी होगी और अतिथि शिक्षकों के हित में नीति भी बनेगी और उसका आदेश भी जारी हो जाएगा, क्योंकि अभी 12 तारीख को प्रधानमंत्री जी का सागर में एक कार्यक्रम है और इसलिए मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता उसमें भी है। बाकी लगातार जिलों में जो दौरे चल रहे हैं उसकी वजह से भी वो समय नहीं दे पा रहे थे। और देरी का कारण, सबसे बड़ा जो देरी का कारण था वो हम लोगों की वजह से भी देरी हुई है, क्योंकि जब भी हम जाते हैं अलग से कहीं का तीसरा व्यक्ति फिर अलग से चला जाता है। एक बार साथ बैठने के बाद दोबारा से जब ये भ्रांति उत्पन्न हुई तो फिर से दोबारा सरकार के सामने बैठने पे हमको मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए हमने सबको कल बुलाया है, कल सरकार के सामने फिर बैठेंगे और मैं समझता हूँ कि कल ही अतिथि शिक्षकों को महापंचायत की तारीख भी मिल जाएगी। आज रीवा में एक चीज और देखने को मिली कि जिस तरह से लोग बैनरों में फोटो लगा के चल रहे थे, शायद इसके पहले भी, इसका नुकसान कहीं ना कहीं हमें आज भी भुगतना पड़ रहा है। तो इसके लिए कहां तक सही है कि जिस व्यक्ति के कारण हमें आज भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, आज भी माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उनका बैनर लेके जाना कहां तक सही है? गलत है, या मैं कहूंगा कि जो अतिथि शिक्षक किसी एक व्यक्ति का बैनर लेके चल रहे हैं तो वो या तो अतिथि शिक्षक नहीं है, और जो अतिथि शिक्षक हैं वो किसी एक व्यक्ति की पूजा नहीं करते। अतिथि शिक्षक एक है, अतिथि शिक्षक सिर्फ इतना चाहते हैं कि अनुभव के आधार पर उनका भला हो, और उसमें अभी जो लीडरशिप में जो लोग हैं उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो राजनीति से जुड़ा हो। तो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो तो मैं भी निवेदन करूंगा कि किसी एक वर्ग का, किसी एक व्यक्ति का बैनर लेके कोई ना चले। आप तो सिर्फ अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश की टोपी बनाइए, अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश का बैनर बनाइए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए,
अभी मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं, अधिकारियों को भी बोल चुके हैं कि इनका सॉल्यूशन निकालना। एक और अभी नई चीज सामने आई, आदरणीय दर्शन सिंह चौधरी जी जो हमारे बड़े भाई हैं और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने शिक्षक की अतिथि शिक्षकों के बारे में क्या होना चाहिए, उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई हम भी चाहते हैं कि इनका सॉल्यूशन निकले। और उनकी तरफ से उन्होंने सुझाव दिया था कि मैं चाहता हूं कि सरकार इन सबकी विभागीय परीक्षा ले ले और इनको अंदर कर दे। और लेकिन मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि अतिथि शिक्षकों का जो सॉल्यूशन हो वो अनुभव के आधार पर हो। तो देखते हैं अभी कल बैठक में क्या कुछ सामने आएगा, प्रयास करते हैं सॉल्यूशन कल हो जाए और अनुभव के आधार पर होगा तो निश्चित रूप से सबका भला होगा। ठीक है, लगातार आपकी वित्त विभाग से भी कोई मतलब क्योंकि आपको ये पता है कि कोई भी कुछ भी काम होगा अगर मानदेय बढ़ता है, नियमितीकरण होती है तो पूरा भार वित्त के ऊपर ही जाना है, तो क्या वित्त विभाग के मंत्री या अधिकारियों से चर्चा हुई है? बिल्कुल, वित्त विभाग के अधिकारियों से, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी से भी चर्चा हो चुकी है। और मुख्यमंत्री जी जब खुद अतिथि शिक्षकों का भला करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि उसमें कोई भी व्यक्ति बीच में नहीं आएगा। सारे विभाग, सारे अधिकारी एक टेबल पर बैठकर इसी महीने अतिथि शिक्षकों की जो नीति है उसको फाइनल करेंगे और आदेश जारी करेंगे। ना तो वित्त विभाग उसमें बीच में आएगा, ना सामान्य प्रशासन आएगा, सिर्फ जो भी आएंगे सब साइन करने आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि अतिथि शिक्षकों ने मेहनत की है, अतिथि शिक्षकों को उसका प्रतिफल मिलना चाहिए। और ऐसा हम सब भी यही चाहते हैं कि इसी महीने विश्व सुरक्षित हो। लगातार अतिथि शिक्षक मंत्री मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहा है और उसके बाद मुख्यमंत्री जी सकारात्मक जवाब भी दे रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग सोशल मीडिया वगैरह में भी आज खिलाफ करते हैं, खिलाफ में लिखते रहते हैं, सरकार के खिलाफ में लिखते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई संदेश? देखिए, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हम जो भी लेना चाहते हैं आप सरकार से मिलकर ही ले सकते हैं, सरकार का विरोध करके तो नहीं ले सकते। अभी तक हम सरकार का विरोध करके लेने का हमने प्रयास किया था, शायद वो रास्ता गलत था, इसलिए हमारा जो पदस्थाई आज तक नहीं हो पाया। अभी माहौल बहुत अच्छा है, मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं, अधिकारी भी चाहते हैं, शिक्षा मंत्री भी चाहते हैं, लेकिन दिक्कत सिर्फ देरी का एक ही कारण है कि अतिथि शिक्षकों की विसंगति बहुत है। एक वर्ग चाहता है कि सिर्फ व्यापम पास वालों को स्थायी कर दिया जाए और दूसरा वर्ग चाहता है कि अनुभव के आधार पर सरकार नीति बनाए। तो अनुभव के आधार पर नीति बनेगी तो बिल्कुल व्यापम पास वाले भी उसमें आएंगे, ये उनके दिमाग में भ्रांति थी कि भाई अनुभव के आधार पर नीति बनेगी तो हम लोगों का अहित हो जाएगा। उनसे चर्चा की, उनको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, अनुभव के आधार पर नीति बनेगी तो आप लोगों का भी भला होगा। नियम कानून के आधार पर सबसे पहले पहली शिफ्ट में आप ही स्थायी होंगे। तो सारे लोग आपस में चर्चा करके जो गलतफहमियां थी, जो भ्रांतियां थी, उनको दूर कर लिया है और अब किसी के अंदर किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं है। आप लोग जहां भी मुख्यमंत्री जी जहां स्वागत करें, जरूर मुख्यमंत्री जी इतने मंचों से 20 बार बोल चुके हैं, निश्चित रूप से अतिथि शिक्षकों का भला होगा। और यदि कोई गलत लिख रहा है, विरोध में लिख रहा है, तो हम और आप पता करें कि वो अतिथि शिक्षक है या नहीं है। कुछ लोग दुर्भावना बस भी लिखते हैं, बहुत सारे लोग अतिथि शिक्षक नहीं है, राजनीतिक लाभ के लिए लिखते हैं, लेकिन यदि वास्तव में आप अतिथि शिक्षक हैं तो आप लोगों को इन चीजों से दूर रहना चाहिए। हम कर्मचारी वर्ग में आते हैं, हम सरकार के विरोधी नहीं है, सरकार से हम अपनी मांग रख रहे हैं, आज नहीं तो कल सरकार इसको पूरा करेगी। और मध्य प्रदेश सरकार में मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने सभी कर्मचारियों को, चाहे वो आशा उषा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, संविदा हो, अध्यापक हों, गुरुजी हों, सभी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया है, सभी वर्ग का भला किया है। अतिथि शिक्षक आज उनके दिमाग में है और निश्चित रूप से अतिथि शिक्षकों का भला होगा, इस चीज को आप स्वीकार कर लें और आज नहीं तो 2-4-8 दिन के अंदर 100% अतिथि शिक्षकों का भला होगा।
कल की एक घटना बहुत ही दुखदायी रही। हमारे तीन साथी एक्सीडेंट में परलोक सिधार गए, उनके लिए संगठन क्या करेगा? सबसे पहले तो मैं तीनों दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बड़े दुख की बात है, 70,000 कर्मचारी हम हैं, लेकिन आज की स्थिति में उन गरीब लोगों के लिए संगठन की तरफ से भी हम कुछ नहीं कर पाए, सरकार की तरफ से भी अभी कुछ नहीं हुआ। मैंने तुरंत मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उनको दी जाए, और संगठन की तरफ से भी हमने ये तय किया है कि शनिवार को कल बैठक के बाद कोई उनके घर जाए या नहीं जाए। मैंने निर्णय लिया है कि मैं उनके घर जाऊंगा और दोनों परिवारों से मिलकर आऊंगा। जो भी आर्थिक सहायता हम लोगों से बनेगी, संगठन की तरफ से उनको आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाएंगे, और उन दोनों अतिथि शिक्षकों की पत्नी के खाते नंबर लेकर हम उसको ओपन करेंगे। जो भी आर्थिक सहायता 150 रुपये की, 200 रुपये की, जो भी जिससे बने, जरूर उन दोनों बहनों के खातों में आर्थिक सहयोग करें ताकि उनको थोड़ा बहुत मदद मिल सके, क्योंकि मैंने एक जानकारी ली है दोनों परिवार बहुत गरीब हैं, दोनों की स्थिति अच्छी नहीं है। तो यदि हम 100-500 हज़ार रुपये का सहयोग कर देंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कम से कम हमको 50-50 हज़ार रुपये संगठन की तरफ से दोनों अतिथि शिक्षकों पीड़ित परिवारों को देना चाहिए। धन्यवाद परिहार जी जानकारी देने के लिए, और कल भगवान की कृपा हो कि महापंचायत की डेट आ जाए, जिसके लिए सबका इंतजार था। जल्द से जल्द भोपाल पहुंचिए, मिलते हैं कल।